भगवान को मानता है? मानता हूँ। किसी नास्तिक की जब मौत नजदीक हो तो भगवान पर यकीन हो ही जाता है। तुम्हारे ऊपर के होठ पर एक गड्ढा है, टच करके देख। वो क्या है तुझे मालूम है? इसकी भी एक कहानी है। ब्रह्मा द क्रिएटर, उसने जब इंसान को बनाया तब इंसान को सब कुछ पता था। सामने वाले के मन में क्या है वो पता था, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कौन मरने वाला है ये पता था, कौन पैदा होने वाला है पता था, हर कुछ जानता था। इतना सब जानने के बाद इंसान चुप कैसे बैठता? वो खुद को भगवान के बराबर समझकर भगवान की सत्ता से टक्कर लेने लगा। पृथ्वी पर रहने वाला इंसान स्वर्ग के देवताओं से लड़ने लगा। और तब भगवान को एहसास हुआ, सब कुछ जानने वाला इंसान उसे कष्ट देने वाला है, इसीलिए भगवान ने इंसान के मुंह पर ताला लगा दिया। ये वही ताला है, हाँ, भगवान का ताला। इसमें भी एक नीति है, अधिक ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तुझे ज्ञान ज्यादा हो गया था। मैंने मर्डर किया था, वो भी तेरे ऑफिस के सामने किया था। ये तेरी बदनसीबी थी, तूने सब कुछ देख लिया था। वो मैं हूं तुझे कैसे मालूम? तूने कभी किसी अखबार में या टीवी में मुझे देखा था क्या? तूने तो ढिंढोरा पिटवा डाला कि मैं ही हूँ। सर सर, गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, सर। ज्ञान ज्यादा हो गया तो भगवान ने उंगली से होठों को सील करके छोड़ दिया, इधर इससे सील होता है। देवा भाई, तुमने किससे पंगा ले लिया? राणा भाई से। राणा भाई नंदा को ढूंढ रहे थे, ये बात तुम्हें मालूम थी ना? फिर भी तूने उसे पना दी, उसे भगाने में मदद की। ए, तू किस भगवान को मानता है? साईं बाबा। लेकिन अभी तुझे साईं बाबा ने नहीं, राणा भाई ने बचाया। राणा भाई की जय बोल के निकल यहां से। राणा भाई की जय, राणा भाई की जय। कहां से भाई, कहां से हो? तू किस लिए पूछ रहा है? हाथ नहीं जला भाई? जलाना, पर ये ट्रिक कैसा है? ये सबकी समझ में ना आने वाला स्पेशल ट्रिक है। जो जलन सह सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नमस्ते भाई। आइए बैठिए भाई, आइए। कलुआ भाई के लिए ठंडा गरम लेके आ जल्दी। चलो रे। ए, जरा गाड़ी रोक। वहाँ झगड़ा हो रहा है भाई, इसीलिए तो रोकने को कहा। शांत जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, समझा? ये तो बहुत खतरनाक खिलाड़ी लगता है भाई। एक भी नहीं बचा जी, मार सबको। हाँ।
बोलो गोवर्धन। मैडम जी के भाई पर अटैक हुआ है। जी के बच गया यही ना? आपको कैसे मालूम पड़ा? जी के को कुछ हुआ होता तो तू रोते हुए फोन करता। अरे वाह क्या दिमाग पाया है मैडम। दिमाग का क्या फायदा, दिमाग वाली से कोई शादी नहीं करता। चल आगे बोल। कल जीके का बर्थडे था ना मैडम, हम सब शिरडी से आ रहे थे तो बीच में ढाबे पर खाने के लिए रुके, वहीं जीके पर अटैक हुआ, हम सब मरने वाले थे मैडम, तब भी वहाँ पर एक बांक का जवान आया और हमें बचा लिया। उसने जो धोया ना देखने लायक था। सत्य, सत्य से टकराने का मतलब है रगड़ा। एक चाय ला रहे? अभी लाया जी। उसकी अपनी ही स्टाइल थी मैडम, शेर के जैसा फौलाद था। वो हैंडसम है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही मैडम? आजकल हैंडसम हीरो मिलना मुश्किल है ना? बहुत ही हैंडसम था मैडम, टार्जन हीरो बन के आए तो कैसा दिखेगा, वैसा ही दिखता था मैडम, एकदम हिंदी फिल्मी हीरो की तरह दिखता था मैडम। इस वक्त कहाँ है? चला गया मैडम। तू फोन बंद कर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। ए जीके आर यू ऑल राइट? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारे बारे में सुनकर तो मैं कितनी टेंशन में आ गई थी पता है? हैं? मेरे साथ जो हुआ उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आज एक जांबाज को देखा इस बात की खुशी है। गोली खत्म हो गई, अब क्या करेंगे? उसका मारना तो नहीं लेकिन उसकी स्टाइल पसंद आई, कूलनेस उसके ब्लड में है। कितना अच्छा होता अगर दुनिया में हर आदमी कूल होता, जब उस पर आफत आती तभी उसका असली कैरेक्टर बाहर आता। लेकिन तुम पर अटैक किसने किया? और कौन होगा, वही ये साला बलवंत। जी के कोड़ाने के लिए अपन को एक अच्छा मौका मिला था, वो मिस कैसे हुआ? वहाँ अचानक कोई आ गया था भाई। कौन था रे वो? पता नहीं भाई, एक्शन हमने शुरू किया लेकिन एंड उसने ही किया। ए चिरकुट चाय किधर है? थर्मस में है, जाकर ले लो। साला डरपोक। रुक, रुक। चाय नहीं पीने देगा? अरे तू ही मेन गुंडा है। अच्छा लगा साला, मार खा के आया और दुश्मन का गुणगान करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अब बलवंत भाई को क्या जवाब दूं? भाई बोल रहे, आपका काम पूरा किया लेकिन वो जी के बच गया। भाई बाबूजी कैसे हैं? सर द रिपोर्ट्स हैव बीन रिकन्फर्म्ड, यू हैव लंग कैंसर। बाबूजी क्या हुआ, समझ में नहीं आया? डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ये रिपोर्ट है, कैंसर है, कंफर्म्ड है। हाँ हाँ आओ बचवा, ये इंग्लिश डॉक्टर भी कैंसर है, कंफर्म कर दिया। चलो जाने दो, उस जीके को मार डाला। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए बाबूजी और दिखरने बोल। सर ये क्या ठीक करेगा, कैंसर का मतलब केस कैंसल है। ये बता तूने उस जीके को उड़ा दिया या नहीं? नहीं, वो बच गया। उस पलवन से लड़ने के लिए
हमें एक बहुत ही पावरफुल आदमी चाहिए। जिसके पास पावर होता है वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये बात समझ लो। सच ये है कि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। एक पार्टी में आने के लिए बोला तो क्या बोला मालूम है? मूड होगा तो आऊंगा। वो आदमी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वो कहां है उसे ढूंढो। इमोशन वाला देखा तेरा रगड़ा। हीरो है तो दिल वाला फाइटर जिगर वाला एक्शन इमोशन वाला देखा तेरा रगड़ा। दिलों में खलबली मचा गया यंग मैन तेरा जलवा, सारी महफिल को हिला गया ही मैं तेरा जलवा। ओ यार मैंने तेरी दिलेरी का देखा जलवा, हस्ती का तेरी देखा जलवा। ए देखो देखो, ए देखो देखो, ए देखो देखो, ये मेरा जलवा। मेरी अदा स्टाइल का जलवा, मेरे दम खमजोश का जलवा, मेरी हिम्मत जुनून का जलवा। कापे सब भाई अन्ना, मुझे देख के हो जाए सबके होश फना। डरते सब डरते, डन मेरे खास से डरते, करते सब करते, सब मुझको सलाम करते। तेरी दिलदारी का खुददारी का देखा तेरा जलवा, ऐसा पहली बार धमाकेदार देखा तेरा जलवा। यारा दिलेरी का तेरी देखा जलवा, हस्ती का तेरी देखा जलवा। ए देखो देखो, ये मेरा जलवा। मेरी अदा स्टाइल का जलवा, मेरे दम खमजोश का जलवा, मेरी हिम्मत जुनू का जलवा। सहारा है जमाना, अगर चाहूं झुका दूं मैं आसमां। खेले हम खेले, हम मौत से अपनी खेले, लिखते हम लिखते खुद अपनी किस्मत लिखते। दिलों में खलबली मचा गया यंग मैन तेरा जलवा, सारी महफिल को हिला गया ही मैं तेरा जलवा। ओ यार मैंने तेरी दिलेरी का देखा जलवा, हस्ती का तेरी देखा जलवा। हे देखो देखो, ये मेरा जलवा। मेरी अदा स्टाइल का जलवा, मेरे दम खमजोश का जलवा, मेरी हिम्मत जुनून का जलवा।
ये अंडा कैसा है यार? अंडा मैंने नहीं, मुर्गी ने दिया है, खा लो। मैंने फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया था, उसका क्या हुआ? मेरा कुक फिल्म देखने गया है, जब वापस आएगा तब बनेगा। चुपचाप बैठो। पागल कहीं का। ये टेबल कितना गंदा है, साफ नहीं करते क्या? तुम टेबल खाने आए हो या टेबल पर चाय पीने? चुपचाप पियो। मैं नर्सी इधर आ। ये आवाज हम कहीं सुना हूं। भैया दिल में छेद हो गया है भैया, ऑपरेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, आप अगर सिक्योरिटी पे साइन कर दे तो मेरा छेद भर जाएगा भैया, मेरा छेद भर जाएगा भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भैया। अरे बाप रे, तू जितना लेट करेगा उतना ही मार खाएगा। आ गया भैया, आ गया। इस हाथ में तुझे मारने की खुजली हो रही है, खुजली मिटाने के लिए तुझे धोना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। थैंक यू भैया। चोट नहीं लगी भैया? नहीं देखा तो लगेगी, इसीलिए तो आया हूँ। चल अपना मुंह खोल और बक दे, पैसा कहाँ है? पैसा? हाँ भैया, वो जो पैसा था ना भैया, जो आपने सिक्योरिटी दिलवाया था और जो मैंने पैसे जमा किया था, पैसा लेकर मैं हैदराबाद बिजनेस करने गया था। रियल एस्टेट बिजनेस डाउन हो गया और आईपीएल रेट्स बढ़ गया, फिर उन पैसों से मैंने एक घर खरीदा और 10 लुच्चों के साथ बिजनेस किया। लेकिन भैया उसमें 50,000 कम थे और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं आकर वेटर बन गया। अच्छा, सच कह रहा हूँ भैया, सच कह रहा हूँ। वो घर कहाँ है, दिखा? क्या दिखाऊंगा, वो लोग खतरनाक है, मामूली लोग नहीं है, बहुत बड़े गुंडे हैं, तलवार लेकर घूमते हैं। जरा दिखा। ये घर मेरा है, अगर बिना अपॉइंटमेंट के आए तो तुम्हारा बैंड बज जाएगा, तेरा भी। अपने को भी साथ में रखकर बोलूं भैया, समझ गए ना सालो, तुम सब गधे हो, इस हॉर्स पावर के सामने तुम्हारा पावर नहीं चलेगा, जाओ किसी ताकतवर को लेकर। हाँ हो गया भाई, आए क्या हो गया भाई? अरे ससुरा, कल तू छूटने वाला था, ये सब नाटक काहे को किया रे? क्या कहा, ये मुझे मालूम क्यों नहीं था? ठीक है चल वापस चल। हाँ चलो। अरे भैया ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हम लोग साबुन से डर गए, ये बात सुनकर हमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोल भाई। एक नया साबुन भेजो, मुझे नहाना है। ए, भाई आ रहे हैं। नमस्ते भाई। हार भी छोटा, नमस्ते भी छोटा, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। उसके लिए पैसा लगेगा। मुझे जीके से मिलना है, कल जीके भाई के घर पार्टी है। तुझे क्यों मारा मालूम है? जीके को जीके भाई बोला इसलिए। लेकिन बोला तो इसने था ना। तो तुझे नहीं मार सकता क्या? आफ्टर ऑल जी के मेरा पागल छोटा बच्चा है, उसको दादागिरी धंधागिरी मैंने सिखाया है। फंक्शन का इनविटेशन है क्या? नहीं। इनविटेशन नहीं होगा तो मैं वहां जाऊंगा कैसे? हाँ सही बात है। अरे पेन और पेपर निकाल। ब्रह्मा भाई को जी के का नमस्कार। भाई शाम की पार्टी में तुम जरूर आना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लिख दिया जी भाई।
अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ सुन रहे भाई, आया है जीके को बोल जा रहे। ए जल्दी जाके बोल। जा बे। ए गोवर्धन, बाल बच्चे तो ठीक है ना? मतलब तुम्हारी औरत मेरे बच्चे। अच्छा जोक है भाई। ये जीके का रिश्तेदार है इसीलिए सबका मजाक उड़ाता है। ए ब्रदर, वेलकम वेलकम वेलकम। मूड हो गया इसके लिए आ गया क्या? अगर तुम्हारा मूड नहीं होता ना तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ता ब्रदर। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर आया लेकिन जीके को मैं नहीं दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। आप ठिकने है ना भाई, इसलिए नहीं दिखाई दिए। ठीक ना बोला तो गोनी में बांध के फेंक दूंगा, समझ गया? तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, दोस्त बनकर काम करोगे, मंजूर है? मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूं। आगे से मेरे हर काम में तुम्हारा परसेंटेज होगा, रिस्क ज्यादा हुआ तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तुम मेरे साथ रहोगे तो शहर में राणा भाई के बाद हम लोग ही किंग होंगे। जंगल में किंग एक ही होता है, जो तेरे सामने बैठे लाए वो साला ढोंगी है। तुम जो कह रहे हो वो सही है ब्रदर, शहर में राणा भाई से दुश्मनी लेकर कोई नहीं जीत सकता। मैंने बलवंत से पंगा लिया, इसके पीछे राणा भाई का हाथ है। बलवंत से पंगा लिया तो राणा भाई से पंगा लिया समझो। राणा भाई का 20 साल का बैकग्राउंड है, शहर के सनत नगर के मर्डर से नामचीन है। उसके बाद उसने अपनी फौज तैयार की, उन लोगों में नंदा, बलवंत, जयराम है। अपना खुद का धंधा होने के कारण राणा भाई पॉलिटिक्स में उतरा, गुंडागर्दी छोड़ दी और सिर्फ दिखाने के लिए उन तीनों को भी दूर रखा। लेकिन किसी का मर्डर करवाना हो तो उनसे ही करवाता है। रिसेंटली नंदा खुद का धंधा कर रहा है, मालूम पड़ने पर वार्निंग दिए बगैर ही वो उसे मरवा रहा था। इसके बाद नंदा यहां से फरार हो गया। फाइनली मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हो गया तेरा? मुझे पार्टी में बुला के राणा भाई, बलवंत, नंदा, मारुति भाई, ये सब की तारीफ सुना के तू खुद भी टेंशन ले रहा और मेरे को भी टेंशन दे रहा है। इतना टेंशन लेके अगर कमाया और कमाने के बाद डॉक्टर के पास पैसा चला गया तो क्या फायदा होगा? वो बात नहीं है, शहर में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए कम से कम जयराम को तोड़ाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई आइडिया चाहिए जिससे राणा ना भागे। एकदम सस्ते में देता हूँ, 50 पेटी दे। 50 लाख रुपए दूंगा? दिया, बोलो क्या करना है? पहले पार्टी तो एंजॉय कर ले। क्यों रे, कितना हैंडसम है तू, तेरी सुंदरता देखकर तो मुझे जलन हो रही है। ओलंपिक कॉन्टेस्ट होता तो फिर मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दिला देता। क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? इस एरिया में मुझसे सुंदर कोई है क्या? भाई उधर देखो। लेट्स एंजॉय द पार्टी। वो खूबसूरत तो दिखता है लेकिन मुझसे सुंदर नहीं है। हेलो ब्रह्मानंद, जेल से कब छूटे? वहाँ खाना हजम नहीं हो रहा था क्या? ए भाई को दारू दो। मुझे सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए। ए भाई कोई नया ब्रांड मांग रहा है, देख लो। चलो ब्रदर। देखो मेरा नाम है ब्रह्मानंद ऑफ भागलपुर। ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? किसी से नई पहचान बनाने का समय नहीं है क्या तुम्हारे पास? कोई पहचान वहचान नहीं करनी है भाई, यहाँ बहुत लोग हैं, उनमें से कोई टपक जाएगा फिर तेरे से पहचान कर लूंगा। मतलब मेरी पहचान एक आदमी के टपकने के बाद? हंस रहा है, मुझे क्यों मारा? तो तू उसे मार ले भाई। हाँ मैडम ऊपर बैठी हैं, आपको ऊपर बुला रही हैं। वो मैडम कौन है जो ऊपर से ऑर्डर दे रही है? बड़ी हस्ती है भाई, मैडम जीके की पार्टनर हैं और पारसनाथ की बेटी हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर चले गए भगवान के पास भाई। भाई जीके भाई मैडम से शादी करने वाले हैं, इसीलिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई। आप भी रिस्पेक्ट देंगे तो अच्छा लगेगा भाई। मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा था भाई, आप चिंता मत कीजिए, जाइए ऊपर जाइए, मैं चलता हूँ भाई। मैंने जितना सोचा था उतने तो हैंडसम नहीं हो तुम।
इसीलिए तो लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। वो क्यों? वो अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ दिनों में सब पता चल जाएगा। मुझे सिगरेट और सिगरेट पीने वाला दोनों पसंद नहीं। तो मुझसे दूर रहो ना। तुम्हारा मैनर मुझे पसंद नहीं आया। अपनी पसंद छोड़ो, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मैं रोज रात को दारू पीकर यही सोचता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? सत्या। तुम्हारा नाम तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल अलग है। हम जैसे छोटे कस्बे वाले लोग साफ दिल के होते हैं, शहर के लोगों की तरह नहीं। शहर में क्यों आए हो? हर कोई शहर में क्यों आता है? मैडम, पैसा कमाने के लिए। तो पैसों के लिए कुछ भी करोगे? दिल को सही लगा तो जरूर करूंगा। सिर फेरे हो, सन की भी हो, मुझे अच्छा लगा। तू ही तो बोली कि मेरा मैनर पसंद नहीं आया। मैं ऐसी ही हूँ, अपनी सोच बदलती रहती हूँ। तुम्हें कैसी लगी मैं? लड़कियाँ दो टाइप की होती है, एक चॉकलेट जैसी और एक बुलेट जैसी। मुझे चॉकलेट पसंद है। मतलब मैं पसंद नहीं हूँ? तुम चॉकलेट तो नहीं हो। मैंने पहले कहा था तुम हैंडसम नहीं हो, मजाक में कहा था, तुम बहुत हैंडसम हो। थैंक यू। आज मेरी राशि में एक खूबसूरत लड़की से मिलना लिखा है। यहाँ से जाने के बाद उससे मिलूंगा। मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं बोला। मैं तुम्हारे बुलाने पे नहीं आया, तुम क्या बुलाओ ये देखने आया हूँ। तो फिर क्या देखा? ब्यूटी विद ब्रेन्स, डेंजरस कॉम्बिनेशन। मिस्टर, मैं एक टेस्ट बैट्समैन की तरह हूँ। जहीर खान से भी फास्ट बॉल फेंक रहा है, तू समझा? अबे पका क्यों रहा है तू? क्या कहा? यू मीन मैंने पकाया? हाँ। ओके, फर्स्ट टाइम है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दूसरी बार भी बोलूंगा तो क्या कर लेगा तू? दूसरी बार भी बोलेगा? हाँ। ट्वाइस? ओके, मैं झगड़ा नहीं चाहता। अच्छा? मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। इस एरिया में अगर मुझसे कोई सुंदर आदमी है तो वो, इस पागल ने बताया, वो तुम हो। अब तुम बताओ, तुम सुंदर हो या मैं सुंदर हूँ? पागल ये नहीं रे, तू है। ये तुझे पागल बोला या मुझे पागल बोला, मैं समझा नहीं। भाई उसने आपकी तरफ उंगली उठाई तो आपको ही पागल बोला ना। भाई मेरे सामने हिलो मत। हाय। हाय श्रीशा। हाय श्रीशा। हे, व्हाट्स अप, हैविंग फन? भाई वहां देखो। शिरीशा डार्लिंग। ब्रह्मा डार्लिंग। या फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। याद है ना? उसे मैं भूल सकती हूँ क्या? ओ। कभी कभी तुम्हारी खूबसूरती सपने में दिखाई देती है। पर ये सब लोग उसे खूबसूरत क्यों बोले जा रहे हैं? क्या लोगे? उसका तुमसे कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया उसने? ओहो, मुझे भी नहीं दिया। तब तो फिर जरूर होगा हम दोनों के बीच में लफड़ा। ब्रदर, ये रहे पूरे 50 लाख, ले लो। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, राणा भाई को भेज दो, इलेक्शन फंड है। बोलो। राणा भाई का मैटर सॉल्व होगा तो तुझे जयराम को मारने का मौका मिलेगा। ओके। ए, ऐसा एक बैग मेरे पास भी भेज देना। हाँ बोलो जी। के राणा भाई के इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे भेज रहा हूँ, उनसे कह देना मेरा सपोर्ट हमेशा उनके साथ है। जी के कुछ ज्यादा ही चमचागिरी कर रहा है, मुझे उस पर डाउट हो रहा है। वो कोई भी गिरी करे, अपन उसे बोलेगा वही करेगा वो, वरना मारा जाएगा। सर। नमस्ते सीएम साहब, आपका प्रसाद रेडी है। वो कोई प्रसाद है क्या? 180 करोड़ है, उसको बोल दे मुझे टिकट चाहिए, जीतने के बाद मंत्री पद भी चाहिए, बोल दे उसको। सर सब सुन लिया मैंने, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ओके सर,
तुम लोग पैसा लेके जाओ। ए, संभाल कर लेकर जाना। अरे अपना पैसा कौन लूटेगा? हैदराबाद पसंद आया ब्रदर? पसंद तो आया, लेकिन हैदराबाद में इतनी गन्स और बुलेट्स होंगी ये समझ में नहीं आया। बुलेट से खतरनाक लड़कियां भी तो हैं। बुलेट्स में लड़कियों को ही बोलता हूँ। तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है ब्रदर? खूबसूरत लड़की में दिमाग नहीं होना चाहिए, दिमाग वाली लड़की खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। और दोनों हुआ तो? दोनों हुआ तो वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी श्रीशा डिफरेंट है। उसके पास दिमाग तो है ही और उसके साथ साथ अच्छाई भी है, इसीलिए तो इस पे जान देता हूं। हाँ वो तो मेरी समझ में आ रहा है। एक्सक्यूज मी। ए मिस्टर, अब तक तुमने जितनी भी बातें की हैं उन सबका मतलब मैं समझ रहा हूँ। मेरे पास भी ब्रेन है। ब्रेन विजयवाड़ा में और लीवर सिकंदराबाद में घूम रहा है। बात को मत घुमाओ। ए मिस्टर, खूबसूरती में तुम्हारे बराबर हो सकता हूँ, लेकिन दिमाग में तुमसे आगे हूँ मैं। तुम्हारे दिमाग में एक ही सीन चलता है, मेरा दिमाग मल्टीप्लेक्स है। एक साथ इस पर चार सीन चल रहे होते हैं। यू नो क्या देख रहा है? मुझे मारेगा? मार। यू वांट टू बीट मी? कम ऑन, बीट मी, बीट। मैं लेडीज पे हाथ नहीं उठा। ये बात तुझे बोला या मुझे? तुमने सुना तो तुम्हें ही बोला होगा ना डार्लिंग। क्या डार्लिंग? डार्लिंग बोला तो तुम्हें झटका क्यों लग गया? यस, शी इज माय डार्लिंग, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन। समझ में नहीं आ रहा यहाँ ऐश्वर्या कौन है और अभिषेक कौन है। तुमने जो सवाल किया उसका जवाब मेरे पास हाजिर है। मेरे बारे में तू नहीं जानता, मैं बहुत चालाक 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 खतरनाक आदमी हूँ। एक बार नहीं बोला, कितनी बार बोला? तीन बार बोला। लगता है तुझे बवासीर की बीमारी है, एक जगह मत बैठ, जगह बदल ले। डोंट लाफ, डोंट लाफ डियर, प्लीज। शिरीशा, डोंट लाफ, इट इज जोक्स। दिल पेट कर दिया, कम। ओके, चलो सब। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, लड़कियों के बारे में। ये बताओ, तुम लड़कियों से दूर रहते हो ना? लड़कियां पटाने वाले, दारू पीने वाले एक ही है, इसका छोटा भैया काम नहीं करता। ए, गेट रेडी। क्या हुआ, सब लोग अचानक शांत हो गए? शिरीशा, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम आगे ही रहना। हाँ मार डालो। नहीं, तुम मरोगे। हम लोग नहीं, तुम लोग मरोगे। गन फेंक दो वरना इसे मार डालूंगा। क्यों रे जीके, यही है जयराम? इस चिरकुट को मारने का प्लान बनाया था। ये नामर्द क्या लड़ेगा जो लड़की को ढाल बना रहा है? लंच के लिए आए थे, सोचा नहीं था लोचा हो जाएगा। मेरे दिल में तेरा है welcome। Come on, come on, oh handsome। मेरे दिल में तेरा है welcome। तुझे चुन लिया मैंने हमदम। तू मर्द जो शीला crazy, मैं love के लिए हूँ ready। मेरा दिल है बड़ा ही naughty। आ देख मेरी तू
ब्यूटी तू पहली चॉइस है मेरी, मेरे दिल में वॉइस है तेरी, तू आजा लाइफ में मेरी, खूब अपनी जमेगी जोड़ी। कम ऑन कम ऑन ओ हैंडसम, मेरे दिल में तेरा है वेलकम, तुझे चुन लिया मैंने। Hey mister, don't treat me like your sister. Wanna see you watching me calling my name. Don't you know that we're playing a game? Shake your body now. Shake your body now. धक दिल को धड़का दे, तन में शोले भड़का दे, रग रग में इश्क जगा दे, लव है चस्का। अजनबी तू दिल की मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे सीने से तू लगा। मेरे दिल पे दिल तुम हारो ना, प्यार को तुम ठुकराना, मेरी जा पे जा तुम बारो ना, दिल को मेरे तड़बाना, मेरे रूप को तुमने हारो, मेरी देखो मस्त अदा, मुझे बाहों में तुम भर लो, मेरे इश्क पे हो जाओ पीले, मेरे इश्क में यारा जीले, मैं चीज हूँ मस्त रंगीले, मस्त हो जा रे। दिल वाले मत वाले, मुझे माशूका बना ले, तू दिल में अपने बसा ले, मुझको मुझसे तू चुरा ले, मुझे नजरों में तू बसा ले, आजा डांस मेरे संग कर ले, मेरे यौवन को तू छू ले, आ पास मेरे तू प्यारे, रंगीले देख नजारे, तेरे प्यार पे मैं हूँ कुर्बान, तू हो जा मुझ पे मेहरबान। come on, oh handsome, मेरे दिल में तेरा है welcome, तुझे चुन लिया मैंने हमदर्द। Hey mister, don't treat me like your sister, wanna see you. Hey, गाड़ियाँ निकालो, सालों को अब हम नहीं छोड़ेंगे। Hey, रुक जाओ, जल्दी बाजी मत करो। नहीं बाबूजी, वो मेरे भाई जैसा था। भाई नहीं था। सुनो, ये सब अपने लिए मरने वाले लोग हैं, उनके लिए हम नहीं। अपना धंधा पहले ही चौपट हो गया है, कमाने के लिए पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। नेता बनते ही राणा भाई को देखो, उसके पास बहुत प्यादे हैं, फिर भी मर्डर हमसे करवाता है। तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं? तुझे रोड छाप गुंडा नहीं बनना है, बहुत बड़ा लीडर बनना है। और तू है ये चाकू वाकू लेकर फालतू मारा मारी में घुस रहा है। तेरा गुस्सा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश कर बेटा, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। मुझे पता चला है वहां कोई नया छोकरा गांव से आया है, जी के उसके पीछे पड़ गया और अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। इसका मतलब उसमें जरूर कोई बात है। सुन बेटा, ताकतवर को मारना बड़ी बात नहीं है, जिगर वाले को मारने के लिए दिमाग होना चाहिए। समय का इंतजार कर, फिर हम उड़ा डालेंगे। हाँ, तब तक उसे खेलने दे। चुप। भाई का फोन है। हेलो भाई। जी के, राणा भाई बहुत गुस्से में है। भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने पहले वार किया था। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लाइन पर रहो। ये लास्ट वार्निंग है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर ग्रेट ब्रदर। सत्या, मैंने पहले तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचा था, लेकिन जब तुम्हें गौर से देखा तो मैं इंप्रेस हो गई। मैं हूं ही ऐसा, शुरू शुरू में कड़वा लगता हूं, फिर गन्ने की तरह मीठा। जब तुमने मुझे बचाया, मैंने थैंक्स बोला? नहीं, बोलूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई मेरी मदद करता है तो बदले में मैं भी उसकी मदद कर देती हूँ, लेकिन थैंक्स नहीं कहती। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो बोल देना, नहीं तो सीटी बजाओगे तो भी चलेगा। तुम्हें सीटी बजानी नहीं आती तो मैं सिखाऊंगी कैसे बजाते हैं। बताओ।
सीटी बजाना आती है कि नहीं वही देख रहा था। सीटी बजाओगे तो बुलेट नहीं चॉकलेट ही मिलेगी। गंदे करती है। लहंगा चुनरी पहन के एक लड़की आई थी उसे देखा क्या? देखा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी से तीनों ही लोगों को उठाकर राम दूत अतुलित धावान चली पुत्र पवन सुत नाम। ये लहंगा चुनरी मैं यहाँ छुपी उन लोगों को मत बताइएगा जी। नहीं बताएंगे तो मैं एक साल तक आपके नाम की पूजा करूंगी अपने पिताजी से कह के। हाँ, और बता दिया तो आपको श्राप दूंगी। मेरा श्राप बहुत पावरफुल है जी। ओहो ए, ये देखो ये इधर है। अरे बाबे ले जाओ इसको। ना क्या बकरी है चुप कर। मैं आप लोगों से नहीं इनसे कह रही हूँ। आपका ये दांत कभी नहीं जाएगा भगवान का दिया हुआ है यही मेरा श्राप है जी। ले जाओ यार ले जाओ इसको ले जाओ। लेकिन पहले मेरी बात सुनो लड़की को कोई टच करे ये मेरे को पसंद नहीं। बिना टच किए ले जाओ। हाथ पैर तोड़ेंगे फिर ले जाएंगे। ठीक है तो आ जाओ। हाथ साफ करने का मूड बना और तुम लोग भाग रहे हो। हाँ ये एक कटिंग ला रहे क्या है? मुझे बचा इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद छोड़ो ये दाग कैसे जाएगा ये सोचकर टेंशन हो रही है। वो जाएगा जी मैं मन से कह रही हूँ। ठीक है फूटो। आपको एक परेशानी बतानी है। वहाँ का सिपाही ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी ना वेंकटेश मंदिर के बहुत बड़े पुजारी हैं जी। भगवान के पुजारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा जी। हाँ वो कोई राणा भाई है जी। इतना बड़ा भाई हमारे पीछे क्यों पड़ा है मेरी समझ में नहीं आता जी। आपको डिटेल में समझाऊं जी? जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जो उसे चाहिए होगा। तुम उसे देना नहीं चाहते इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है और क्या। बात तो सही है जी लेकिन मैं पाए मार्क्स वाला आंसर बताने वाली थी जी पर आपने तो छोटा आंसर बता दिया जी। ठीक है फूटो ना तुम्हारे माँ बाप वेट कर रहे होंगे। आप अपना सेल फोन देंगे मुझे एक फोन करना है जी। नहीं कर लो। थैंक्स जी। हेलो पिताजी। अरे भागो अरे भागो भागो अरे कुत्ते लोग पीछा कर रहे हैं। ये गांधी का देश कर्तारों से भर गया है। लक्ष्मी अरे भागो लक्ष्मी लक्ष्मी ठीक हो ना तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। माँ तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ लेकिन तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ छोटे तुम भी ठीक हो ना? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो ना? हे नारायण भगवान की दया से सब ठीक है। ओ माय गॉड इन्होंने ही मुझे बचाया है जी। अच्छा बेटी। हाँ। बाबू समय पर आकर विष्णु भगवान की तरह आपने मेरी बेटी को बचा लिया बाबू। हाँ। विष्णु भगवान गजेंद्र मोक्ष शंख चक्रधारी बनकर तुमने मेरी बहन को बचा लिया। क्या तुम चुप रहो जी शिव है शिव भगवान दिख रहे हैं जी। शिवा वो त्रिशूल वाले शिवो हम शिवानंद रूपम। ए, तुम्हारा झुंड यहाँ से जाएगा कि नहीं? अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते बाबू बिल्कुल नहीं जा सकते। नारायण तुम सुंदर हो तुम्हारा मन और भी सुंदर होगा। नारायण हमारे कष्टों की कहानी सुन लो बाबू। नारायण मैं वहाँ एक मंदिर में पुजारी हूँ बाबू। नारायण चुप नहीं जाओगे तो ठीक है मैं ही चला जाता हूँ। नारायण उन पापी लोगों से बचाने वाले तुम ही हमारे भगवान हो बाबू। नारायण प्रहलाद को बचाया नरसिंह बनकर सुदामा को बचाया जी कृष्ण बनकर। ये मुझे तारीफ पसंद नहीं है।
तारीफ पसंद नहीं, कितना महान आदमी है ये नारायण। ऐसी मुश्किल घड़ी में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं जी। सर छुपाने की जगह दीजिए जी, 2 दिन के लिए जी, बाद में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे जी। नारायण, सर छुपाने के लिए ये कोई धर्मशाला है? ओ, इस तरह हमारी बेइज्जती मत करो बाबू। नारायण, हमारी पहचान के एक मंत्री जी हैं, उन्हें अपनी तकलीफें बताने आए थे लेकिन वो विदेश यात्रा में हैं, 2 दिन बाद आएंगे, तब तक हमें सर छुपाने की जगह दे दो बाबू। नारायण, क्यों? भागते भागते हम सब लोग बहुत थक गए हैं जी। अंतर्यामी तुम हमारे स्वामी, अपनी शरण में हमें ले लो जी। ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चुप हो जाओ। हम जानबूझ के नहीं रो रहे हैं जी, ऑटोमेटिक रोना आ रहा है जी। नारायण, ठीक है ठीक है, अंदर आके रो। मैं अंदर आने को बोल रहा हूँ ना। प्यार से बोलेंगे तो हम अंदर जाएंगे ना जी। अरे आप संवाद मत बोल। चलो 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 जल्दी अंदर चलो, कहीं इसका मन बदल ना जाए। हाँ हेलो, बोलो जी के। हाँ ब्रदर, हमारी दुबई में एक डील ओके हुई है, आज रात को ही दुबई जा रहा हूँ, वापस शायद एक हफ्ते में लौट आऊंगा। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए ब्रदर। क्या है बोलो। इस पूरे हफ्ते तुम श्रीषा का ध्यान रखना, बलवंत भाई गुस्से से भरा बैठा है, उसे बाहर जाने से मना करता हूँ तो सुनती नहीं है। श्रीषा के पिता को मैंने वचन दिया है कि उसे कुछ होने नहीं दूंगा, प्लीज हेल्प मी ब्रदर। ये क्या श्रीषा, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं था ना, इसकी क्या जरूरत थी? एक गाड़ी रोको, मुझे फ्रूट्स लेने हैं। भैया कैसे दिया एप्पल? 15 रुपए का एक है मैडम। ये एप्पल? वो 15 का है। वो एप्पल? वो भी 15 का है। ये एप्पल? अरे वो भी 15 का है। 15 का है बोल रहा हूँ ना मैडम। देखो भैया, कल ही मैंने 14 रुपए में खरीदा था, तुम रोज 1 रुपए बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? चलो अब उधर से ही खरीदना फल। वो इधर से खरीदेगी तो मुझे बोलेगी तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? लड़की चिपकती है तो मेरे को तकलीफ होती है। लड़की का चिपकना खराब कैसे होता है? फिर से चिपक, फिर बताता हूँ। ब्रह्मा डार्लिंग, तुम समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? समझ गया शिरीशा, एक्सप्लेन मत करो। ए मिस्टर, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आई वॉन्ट रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट करूँ तेरी? यस। चल मर। जो मर जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। बाजार से नया कपड़ा लेकर आते हैं, फिर बड़े प्यार से उसको ओढ़ाते हैं, उस पर खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं, दूसरे दिन उसके फोटो पर हार चढ़ाते हैं। चल मर जा। मर जाने को बोलता है। मुझे बीच में मत घसीटो ब्रह्मा। शिरीशा डार्लिंग, हम लोग पब चलेंगे। चलेंगे ब्रह्मा डार्लिंग। Hi, good evening. Excuse me, Buddha not allowed. Hey. Buddha's not allowed. Okay, come on, darling. Stupid. Ow. इसी को पब कहते हैं। तुमने पहले कभी देखा है? क्लब भी देखे हैं और पब भी देखे हैं, यहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। बोलते तो गुन्नों की तरह हो लेकिन हर बात में लॉजिक होता है। तुमने किसको पढ़ा है? इंसान को। हाय श्री। हाय। कम कम। हाय। यही है ना तेरा वो हैंडसम? जी हाँ। ओ, ज्यादा स्पीड है। सिर्फ स्पीड को नहीं, माइलेज को भी मेंटेन करना चाहिए। तुम लोग बातें करो, आई विल जस्ट कम। हाँ तुम जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना। श्री तो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है या नहीं? मेरा इंटरेस्ट कुछ दूसरा है। शिरीशा बहुत अच्छी है जी। अच्छी है लेकिन एक चीज की कमी है उसमें। वो क्या है? अकल की। अब तो मुझे भी आप पर शक हो रहा है। कैसा? कि आप ही श्री से प्यार करते हैं। तुमने कैसे पहचान लिया? आपकी नजरों से।
पार्टी खत्म हो चुकी है दोस्त। चुपचाप चलो डार्लिंग। ये पैसा बराबर पहुंचा देना। तू मुझे नहीं पहचानता होगा। बलवंत का बाप गंगा भाई। तू जीके पर भरोसा मत कर, पछताएगा। हैदराबाद में जब एंटर होते तो एक बोर्ड दिखाई देता है, वेलकम टू हैदराबाद। उसका मतलब तेरे को मालूम है? शहरियों पर भरोसा मत करो। बातें बड़ी अच्छी करता है तू। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन ले। जब से तूने जयराम को मारा है तब से मेरा बेटा तुझे मारना चाहता है। पागलों की तरह वो तुझे ढूंढ रहा है। उसे अभी तक मैंने रोक रखा है, इसलिए तू जिंदा है। वो तेरा सिर काटे उससे पहले मेरी बात दिमाग में बैठा ले। हम लोगों में शामिल हो जा। वो तेरा कुछ नहीं करेगा, मैं उसे समझा दूं। तू अगर प्यार से बोलता तो मैं कुछ सोचता, लेकिन ये गीदड़ भपकी से खोपड़ी घूम जाती है इस सत्या की। hey! मुझसे पंगा लेगा तो भारी पड़ेगा। अरे चरणों में, क्या हुआ रे पंडित? भूख प्यास से बाप मेरा मर रहा, देखो तुम खुद जा। इन्हें क्या हुआ? दो दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है जी। बाहर का खाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है जी। भाग्यवान, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बीपी शुगर सब कुछ है। खाना बनाने के लिए सामान चाहिए जी। सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा जी, और उसके लिए हिम्मत चाहिए जी, और वो तो हम लोगों में है ही नहीं। ऊपर से आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, देखो ना, दो दिन में सूख के बिल्कुल काटा हो गया है। बेचारा बचेगा भी कि नहीं बचेगा नहीं जानता है। नारायण नारायण, आज मेरा जन्मदिन है, इस बात की चिंता नहीं है पिताजी। बस आप मेरे पिताजी के लिए खाने का प्रबंध कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। चुप। कोई भी देखेगा तो लगेगा कॉमेडी सीरियल की शूटिंग चल रही है। अष्टलक्ष्मी मेरे साथ आ। वो बुला रहे हैं, मैं जाऊं माँ? तो जाओ ना बेटी। और सुन, रास्ते में आते वक्त कोई मंदिर मिले तो प्रसाद ले लेना, खाना बनने तक तुम्हारे पिताजी खाते रहेंगे। विष्णु विष्णु महाविष्णु महाविष्णु महेश्वरा। सुनिए जी। ये म्युनिसिपल ऑफिसर नहीं है जी, भगवान है। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए जी। मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता, अपना काम कर। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों पति पत्नी नहीं है जी, मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ जी। मैंने तुम्हें नहीं बोला बेटी, इन्हें बोला है। ओ सॉरी जी। मुझसे नहीं बेटी, उनसे बोलो। सॉरी जी। सुनिए सुनिए जी। अरे रे, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्यार के काबिल नहीं है जी। अभी प्यार नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार होगा ही नहीं जी। और ये भी नहीं है कि आगे आपसे प्यार होगा, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे किससे प्यार होगा जी। आप ही सोचिए जी, हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मणनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं जी। वो कहते हैं ना जी कि आप एक बार काशी जाओगे तो पवित्र हो जाओगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपवित्र हो। हे भगवान, मैं तो प्रसाद लेना ही भूल गई जी। मैं प्रसाद लेना भूल जाके ले ले। अब मुझे क्या लग रहा है जानते हैं जी? क्या लग रहा है जी? एक और गाड़ी यहाँ से गुजरे तो अच्छा होगा जी। मरने को दिल कर रहा है जी? नहीं, एक बार और गले लगना है जी। गाड़ी की क्या जरूरत है जी? आप बुरा न माने तो मैं एक बात बताऊं जी। बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बता दो। आपको पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था जी। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि आपको भी मुझसे प्यार हो गया है जी। कैसे पहचान लिया तुमने?
ये सब पहचानने में लड़कियां बहुत तेज होती हैं। औरों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। हेलो, कहाँ हो तुम? चॉकलेट के साथ हूँ। चॉकलेट का मतलब क्या होता है जी? इस शहर में तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। कृष्णा रेस्टोरेंट में आ जाओ, हाँ रोमांटिक लंच करेंगे। हमारे अलावा वहाँ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो यही तुम्हारी चॉकलेट है? मेरा नाम अष्टलक्ष्मी है जी, ब्रैकेट में अमलू। नारायण। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है नारायण, आदि नारायण। ये है तुम्हारी पसंद? चॉकलेट हर किसी को पसंद आती है। हाथ हटाने को बोल। मैं नहीं बोलूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। इन्होंने मेरी कमर पर भी हाथ रखा था। कमर पर हाथ रखा? कब? फिर प्यार से पप्पी भी ली थी। पप्पी भी ले ली क्या? अब क्या करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मैं पिताजी को जाकर बताऊंगा। रुको, चुप रह। बताएगा तो मैं भी तेरे बारे में बताऊंगी। क्या बताओगी? तूने अपने क्लासमेट के लंच बॉक्स से अंडा खाया था। ठीक है ठीक है, तुम मेरे अंडे को भूल जाओ, मैं तुम्हारी पप्पी को भूल जाऊंगा। ये बात पिताजी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा के भी बात कर सकते हो। नारायण, तू बड़ा क्यूट है रे। तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई? इट्स वेरी बैड यू नो, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे टेंशन हो जाएगी। ये पप्पू जैसा आइटम क्या है? ए, पप्पू बोलेगा तो तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी दुष्ट नारायण। ये है कौन, मिनी सुमो दिख रहा है? ए, दीदी से समझा तो, ये मेरे बारे में जानता नहीं। हाँ बकवास बंद कर, वरना पेट चीर कर रख दूंगा मैं तुम्हारा। ए, मैं घटिया आदमी से बात नहीं करता। नारायण, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसे भस्म करके रख दूंगा। मुझे भस्म करेगा? शांत रहिए जी, तू भी शांत रहे, इसे परमिशन मत देना जी, इसका श्राप बहुत पावरफुल है जी। इतना पावरफुल है ये क्या? हाँ जी, बहुत पावरफुल है। परमिशन? तू चुप रह ना। चुप है, ये परमिशन देगी, वो परमिशन देगा, और तू श्राप देकर मुझे भस्म कर देगा। अरे दे दीजिए इसको परमिशन। नारायण वेटिंग। नारायण, अरे दे दीजिए ना परमिशन। नहीं जी, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू नारायण। नारायण ओम, 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 नारायण ओम। श्राप देकर बोला था तो फिर लोटा सिर पे क्यों मारा? क्या हुआ मैनेजर? वो सत्य आपने ही रेस्टोरेंट में है साहब। जो कहता हूं वो कर। ठीक है साहब। इस काम के लिए 10 लोगों की जरूरत है, इसलिए फोन किया। तुम्हें एक का गेम बजाना है, सबको 10-10 पेटी, टोटल 1 खोखा। खोखा लेकर बैठा हूं तुम्हारे लिए, वो मेरे रेस्टोरेंट में बैठा है। तुम लोग उसे मार कर यहां ले आओ, और सामने पड़ा 1 खोखा यहां से लेकर जाओ। मैं उसकी लाश को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उनको मारने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत है? नारायण। हां नारायण। शर्मा मत, अच्छी तरह से खा। नारायण नारायण, ये शर्माने का समय नहीं है नारायण। लंच टाइम पे हमें बाहर क्यों भेज रहे हो भाई? सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम, प्लीज। हेलो शिरीषा, तुम लोग कहाँ हो? लंच कर रहे हैं। तुम लोग बलवंत के रेस्टोरेंट में हो, तुम लोग वहां हो उसे पता चल चुका है, और गंगा भाई ने ब्रदर को मरवाने के लिए गुंडों को हायर कर लिया है। वो लोग आ रहे हैं, ब्रदर को बता दो और वहां से तुरंत निकल जाओ। ओ माय गॉड, नारायण पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। बाप रे। तो उस गंगा भाई को फोन लगा। लेकिन लगाना। अरे गंगा, मुझे मारने के लिए गुंडे हायर किए, रेस्टोरेंट खाली करवाया, मेरी डेड बॉडी देखने का बहुत शौक है तुझे, इसके लिए गुंडों को यहाँ क्यों भेज रहा है? मैं खुद ही वहां आ जाता हूँ, पैसे भी वहीं रहने दे, अपने भाड़े के टट्टुओं को अपने पास ही बुला ले, टाइम भी बच जाएगा और मैटर भी क्लोज हो जाएगा। क्या हुआ बाबूजी? कहानी में ट्विस्ट आ गया। तुम बलवंत भाई के अड्डे पर जाओगे? नारायण, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, 1 करोड़ मिलेगा तो जाऊंगा मैं। तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
मैं चाहे कहीं भी रहूं, तुम सबको यहीं रहना है। पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगा, यह हॉस्पिटल सही सलामत रहेगा, यह मेरा वादा है। आने दो इसे। एक बार मेरे हाथ से बच गया था ना, अब मरेगा तू। अरे उसे जल्दी मार के ऊपर से रुपया ले जाओ। खत्म कर दे उसे। साले नामर्द को 1 करोड़ दे रहे थे। ए, तू टेंशन मत ले। ये साले नामर्द अपने आप को गुंडा कहते हैं। अरे तू रुक जा, समझता नहीं, रुक जा तू। छोड़ो मुझे। चल मेरे साथ, चल। छोड़ो बाबूजी, छोड़ो मुझे। अरे तू रुक जा, नहीं तो वो तुझे मार डालेगा। एक ठोका मेरा है, अब मगजमारी मत कर, मैं इसे ले जाता हूँ। हाँ ले जा। अरे अरे छोड़ो ना मुझे। अरे तू रुक ले। नीचे से ऊपर तक जो मिला उसे धो डाला इसने, इसके सामने झुकना ही ठीक है, वरना कुत्ते की तरह मारेगा। तू खोखा लेके जा। अरे तू उसका कुछ नहीं कर सकता, उसे खोखा लेके जाने दे। देखा तुमने बाबूजी, इसके सामने झुकने को कह रहे थे, देखा, झुका दिया ना मैंने इसको। सत्या, बुढ़ा हूं, मर रहा हूं, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे। आए बोल। तू एक फोन लगा के दे, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो गंगा भाई। इस सत्या ने मुझे और मेरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, मेरे बेटे को भी मार दिया। इस सत्या को छोड़ना मत, ये राणा भाई को बोल दो। ए, फोन उस राणा भाई को दे। ए, कौन है रे तू? बोला ना, सत्या बोल रहा हूं। ए, तू कोई भी हो, दिन गिन ले, अगर दिन नहीं गिना तो घंटे गिन ले। कल मैं तेरा पोस्टमार्टम करूंगा, डॉक्टर तेरी बॉडी से 25 बुलेट्स निकालेगा, समझा? जिसमें मुकाबला करने की ताकत नहीं होती वही ऐसे फालतू के बोल बच्चन करता है। ए, तेरा टाइम खत्म हो गया। ए, तेरा टाइम अच्छा है जो तू यहाँ नहीं है। अगर तू यहाँ होता तो आज ही मैं तेरा पोस्टमार्टम कर डालता। ए, ए, दुआ मांग ले एक भगवान से नहीं सभी भगवान से कि मुझे तुझ पर जल्दी गुस्सा ना आए। अगर आ गया तो तेरा वजूद मिटा दूंगा। Hey,
ड्रिंक्स ब्रेक हो गया ना, इस ओवर में विकेट गिर जाएगा, देखना स्कोर डाउन हो जाएगा, मेरी बैटिंग 10,000। खाने में कॉकरोच निकला रे। मेरे होटल में कॉकरोच नहीं है, छिपकली है, देख के खाना पागल अच्छा लगेगा। किस ओवर में विकेट गिरेगा और किस ओवर में विकेट नहीं गिरेगा मैं बता दूंगा, और किस ओवर में सिक्स लगेगा मुझे मालूम है, यही मेरी सिक्स सेंस है, फटाफट बताना, यही मेरी खासियत है, बेट लगाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। समझ गए ना तुम लोग? पर्स तुम्हारा है ब्रदर? कौन है तुम लोग? अरे बाप रे! क्यों बे, कौन है वो तेरा सत्या भाई? तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? घाटी गांव के बाई इलेक्शन का नोटिस जारी हुआ, जिसके बारे में सारी डिटेल्स हमारे संवाददाता साई बताएंगे। साई बताइए, इस इलेक्शन में सुलाधारी पार्टी ने विपक्ष पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह किसका सामना कर रहे हैं? हाँ श्रावणी, करप्शन में फंसने के बाद अपना टिकट गवा चुके एक एमएलए देवेंद्र सिंह अभी घाटी गांव से विपक्ष के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वोटर्स और जनता को वो अपनी तरफ कितना घुमा पाएंगे ये बता पाना मुश्किल है श्रावणी। घाटी गांव में गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में कराने वाली और अच्छा नाम कमाने वाली डॉक्टर निर्मला देवी उनकी मदद कर रही है, ऐसा हमें पता चला है, ये कहां तक सच है? अगर ये बात सही है तो उनकी जीत निश्चित है श्रावणी, क्योंकि वहां की जनता डॉक्टर निर्मला देवी की इज्जत करती है, वो जिसे भी वोट देने को कहेंगी वहां की जनता उसे ही वोट देगी, क्योंकि वो उसे देवी की तरह पूजते हैं। निर्मला देवी, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। राम राम बेटी। भैया भैया, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना भैया, दो ना भैया। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ मर चुकी है और बाप का पता नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। लक्ष्मी, ये आज से हमारे साथ यहीं रहेगा। ठीक है जी, नमस्ते। 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 हेलो। कैसी हैं डॉक्टर मैडम? कौन बोल रहे हैं? देवेंद्र सिंह। बोलिए, मैं क्या कर सकती हूँ? इस बार इलेक्शन में तुम्हारी मदद चाहिए। इस पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पड़ना है, मैं तो बस लोगों की सेवा करने वाली एक डॉक्टर हूँ। तुम्हारे हाथ में स्टेथोस्कोप के सिवा एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये मुझे पता है और ये जनता भी जानती है, इसीलिए मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों मांग रहा हूँ उसका कारण समझती हो डॉक्टर मैडम? तुम्हें नाम और शोहरत उसी हॉस्पिटल की वजह से मिली है ना? वो बिल्डिंग जिसने तुम्हें दान में दी है, वो ध्रुपद सिंह मेरे पिताजी थे, उसी अधिकार से मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। एक घंटे के बाद मीडिया वाले आएंगे। तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो बोलना, वरना तेरी बेटी की लाश तेरे घर पर पहुंच जाएगी। सोच लेना तू। मैडम, क्या आप देवेंद्र सिंह को सपोर्ट कर रही हैं? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूं, मुझे राजनीति पसंद नहीं है। मैडम रुकिए, मैडम प्लीज, मैडम एक क्वेश्चन और। मार डाल उसे। ठीक है जीजा, जीजा ने इसे मार डालने को बोला है। साड़ी तो ठीक है, कलर भी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बॉर्डर बड़ा होता तो अच्छा होता, क्या कहते हो? क्या है ये? हमने तुझे किडनैप किया है, मारने वाले हैं, तेरी माँ ने भी साथ नहीं दिया, तू साड़ी की बातें कर रही है, ये हिम्मत कहाँ से मिली? हिम्मत मिली है नहीं पूछने का, हिम्मत कहाँ से आई ये पूछने का, सत्या से, मेरे भाई से। सत्या, सत्या से टकराना यानी हेल खल्ला। उनसे मिलने के बाद सब लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ये गांव तुम्हारे रहने के लायक नहीं है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते, तुम लोग जरूर मुझे भगा के रहोगे। भैया ये एकदम फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं ना। फिर भी वो यहीं रहते हैं, क्यों मालूम है? हमारे लिए। वो बचपन में मेरी माँ को मिले थे, माँ ने ही उनको पाला है, उनकी मैं जान हूँ। बहन के लिए अच्छा रिश्ता आया है माँ, वो यहीं पर पढ़ेगा, अमरीका नहीं जाने वाला है, बल्कि पढ़ाई खत्म करके यहीं रहने वाला है और सबकी सेवा करेगा। माँ
इसकी शादी छोड़ तू कब शादी करेगा? हाँ भैया, ये बताओ तुम कब शादी करोगे? ठीक है लड़की देख ले, मैं शादी कर लेता हूँ, काम खत्म। मैं तैयार। अभी डॉक्टर मैडम मुझे छोड़ दीजिए। बहन अब घर चले? तुम हमारे साथ तो कभी रहते नहीं और मेरे लिए रिश्ता ढूंढते रहते हो। हाँ बेटा, तू भी हमारे साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। माँ ये तू भी जानती है और मेरे दोस्त भी जानते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहा तो उनको तकलीफ होगी। मैं कहीं भी रहूं तू मेरे दिल में है। अब तू क्या कहना चाहती है? जो गरीबों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, तूने आज उसी की फैमिली पर हाथ डालने की जुर्रत की, अब वो क्या चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा, तेरी धज्जियां उड़ा देगा वो। जीजा उस लड़की को ठीक से घर पर छोड़कर आना। जीजा जो कहा वो करो। जीजा सुनो रे, जीजा ने इसे घर छोड़ने के लिए बोला है। उड़ गई ना तेरी धज्जियां, मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। सुनिए जी, जरा वहाँ चलकर देखिए क्या हुआ है। क्या हो गया? चलिए ना, आइए ना। इम्पोर्टेंट बात कर रहा था, तुम्हारा बीच में टांग अड़ाना जरूरी है। वहाँ उधर देखिए। आओ देवेंद्र भाई, खाना खाओगे? ए बैजू गंगवा। ये सब तो खा चुके, तुमने नहीं खाया। सब्जी अच्छी बनी है, बैठो। बैठ जा। सब्जी तुमने बनाई ना? क्यों भाभी? अच्छी औरत, नामचीन बाप, इतने बड़े बाप का बेटा होकर इतनी घटिया हरकत की? तुझे तो पत्थर पे रगड़ना चाहिए। ए, तू जानता है इन लोगों को क्यों छोड़ा है? तेरी पार्टी और तेरे फोटो पर हार चढ़ाने के लिए। तेरा बाप अच्छा आदमी था इसलिए तेरे को छोड़ दिया। चल फोन लगा अपने साले को, उसको अच्छे से समझा दे तू, फिर से कोई गलती ना करे, नहीं तो रगड़ कर फेंक दूंगा, भूल जाएगा कि तू मर्द है या कुछ और। बहन जी, ये बिल्डिंग दान के स्वरूप में देवेंद्र सिंह जी के स्वर्गीय पिताजी लेट श्री ध्रुपद सिंह जी ने बिना लिखे पढ़े जुबानी रूप में इस हॉस्पिटल को दी थी, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी पर कानूनन हक देवेंद्र सिंह जी का ही है। इसलिए कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपको ये जगह 3 महीने के अंदर खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो आज के भाव से आपको इस जमीन की कीमत 80 करोड़ रुपए देवेंद्र सिंह जी को देनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपसे ये जमीन कोर्ट के मुताबिक जबरदस्ती खाली करवाने का पूरा हक रखते हैं। गरीब लोगों की सेवा करने वाले इस हॉस्पिटल को आप लोग बंद करवा देंगे तो सब रास्ते पर आ जाएंगे। रास्ते पर आए या मर जाएं साले, मुझे इससे क्या? तेरी तो मैं तुझे मार दूंगा। ये सब क्या है? माँ ने कहा इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो खाटी गांव की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मारता तुझे। 3 महीनों का टाइम दिया है ना तूने मुझे, तब तक इस गांव में दिखाई मत देना, दिखाई दिया तो इस बार मारूंगा नहीं, गाड़ दूंगा तुझे। चल फोट। माँ पैसों का इंतजाम हो जाएगा, ये हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होगा, हमेशा सही सलामत रहेगा, ये मेरा वादा है। देखो भाई हीरो आ रहा है। मत बोल उसे हीरो, मुझे गुस्सा आता है, ये कैसा आदमी है? रेस्पेक्ट मांगा तो मर जा बोलता है। इसे मारने के लिए गंगा भाई जो पैसे गुंडों को दे रहे थे ये खुद ले आया, और मेरी हर बात ये शीरिशा के सामने बोलता है, इसीलिए मैं डरता हूँ कहीं शीरिशा इसे अपना दिल ना दे बैठे, यही मेरी टेंशन है। भाई आपको एक फ्लैशबैक याद है? क्या है वो? शीरिशा मैडम के साथ इसकी ना गुटरगु चल रही है। भाई
तुमको मैं एक अच्छी न्यूज बताऊं क्या? जिसने मंदिर में घंटी बजाई थी वो लड़की भी इसे चाहती है। दोनों में से अब किसका नसीब खुलेगा ये ऊपर वाला जानता है। ऊपर क्या देख रहा है वे? तुम भी ऊपर देखो भाई, वो क्या गुल खिला रहा है। हुस्न का देख जलवा, चांदी से रूप का ये जलवा, रोमांटिक दिल का ये जलवा, चढ़ती जवानी का जलवा, लव का ये जलवा, नशीले नैनों का जलवा, मचलते यौवन का जलवा, धड़कते अंगों का जलवा, आंखों से तू बुलेट बेबी चला, लव का मैजिक मुझ पे ऐसा चला, लेफ्ट राइट दिल को झटका लगा। वो कोई हीरो है? हीरो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे? दिन दहाड़े डाका डाल के चोरी करूंगा, बिना किसी के हाथ लगे बाहर आ जाऊंगा। मैं क्या हूं दिखा दूंगा। अरे भाई के पीछे रहो। ये डिजाइन दिखाओ इनको। This is Krishna Prasad, IPS.
स्पेशल ब्रांच। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नो, मैं ही आपकी मदद करने आया हूँ। चार्ली नाम का एक इंटरनेशनल ज्वेल थीफ। क्या, इंटरनेशनल स्मगलर? यस, उसने आपकी दुकान को लूटने का प्लान बनाया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। क्या कहा? झूले वो कहीं और पर नहीं है, आपके सामने है। मैं जैसा कहूँ वैसा कीजिए, वो जरूर मिल जाएगा। बोलिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? वो यहाँ रखी सब चीजों को बैग में रख देने को बोलेगा। हाँ। आप चुपचाप रख कर उसे दे दीजिएगा, बाहर हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे, उसे रेड हैंडेड पकड़ेंगे हम। उसके बाद वो बैठकर जेल की दीवारें देखता रहेगा। हाँ। और आप बैठकर दुकान में सोना देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। बाहर सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी से उसे बहुत डर लगता है। सब कुछ इसमें भर दो। ठीक है सर, तुम भी भरो। देख क्या रहे हो पागल, जल्दी भरो। दीवार की तरफ मुड़ जाओ। ठीक है सर। अब 30 तक गिनती गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे भाई, तुम तो सच में हीरो हो। जो नहीं जानता उसे बताओ। चलो गाड़ी में बैठो। भाई जरा लेफ्ट में घुमा लीजिए, आगे ट्रैफिक है। ए, 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 भाई रुक रहे। अरे भाई, भाई भाई वो क्या लेके भागा? मेरी ब्रेसलेट और एक चेन। अरे भाई, हे कृष्ण प्रसाद आईपीएस उर्फ बसवा राजू, दोनों गेटअप में तू ही आया था, मेरे को मालूम था। अब मेरा सोना भी बच गया और सीसीटीवी में तुम्हारे आने से मुझे इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। नुकसान तुम्हारा हुआ, ब्रेसलेट गई, चेन गई, गाड़ी भी गई। अब तुम्हारे पीछे है ना पुलिस लग जाएगी, फिर तुमको अंदर डाल देगी। टोटली तुम्हारा ही नुकसान होगा। तू चल रहे, बाय। पीछे मुड़ के देख, पुलिस आ रही है। पुलिस? भाई पुलिस? सब गायब हो गए। गोविंद कृष्णा गोकुल वृंदा। अब क्या हुआ छोटे पंडित? खुद देख लो तुम पावन हार। अरे भगवान, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? अरे तेरे द्वार में हम पैदल आते हैं, फिर भी हमें तकलीफ दे रहा है। अरे तू मत रो, तुझे लो दीदी है, तेरे बदले हम लोग रो लेते हैं। ए, चुप हो जाओ। क्या हुआ बोलो, रो क्यों रहे हो? हमारा गांव विजयवाड़े के नजदीक है जी, वहाँ मेरे भाई को हैदराबाद से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगी थी जी। नारायण, मेरे पिताजी पूजा करके जो भी कमाते थे वो सब जमा करके उसे एक फ्लैट लेकर दिया था जी। नारायण, कुछ दिन के बाद मेरे भाई ने उसे फ्लैट से वो सब काम शुरू कर दिए। वो क्रिकेट फिक्सिंग। क्रिकेट फिक्सिंग और ऐसे ही दूसरे काम। नारायण, उसके साथ धोखा हुआ जी, उसको कहा फ्लैट दे दो नहीं तो जान से मार देंगे जी। नारायण, तो फिर मेरे भाई ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी जी, फिर वो मेरे भाई को उठा कर ले गए जी। नारायण, फिर हम लोग उसे कहा अगर तुम्हारा भाई वापस चाहिए तो फ्लैट के कागजात हमें दे दो, और कहा पुलिस में कंप्लेन की तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। मैं पूरी राम कहानी समझ चुका हूँ, अब ये बताओ कि क्यों रो रहे हो तुम लोग? मैंने बताया था ना कि हमारी पहचान के एक मंत्री जी है बाबू, वो अभी शहर में ही है। आज मैंने उसको जब फोन किया तो वो कहने लगा कि वो बहुत बड़ा आदमी है, वो हमसे बात करना नहीं चाहता है, कहकर फोन कट कर दिया। नारायण, वेंकटेश मेरे भाई का नाम है जी। नारायण, ठीक है, उनकी कोई फोटो वोटो है? हाँ जी, है ना जी। अरे गोवर्धन जी। भैया, शहर में राणा भाई का अड्डा कहाँ पर है?
राणा भाई का एक अड्डा नहीं है भैया, बहुत अड्डे हैं उसके। उनके सारे अड्डों का पता करो हाँ। और किडनैप किए हुए लोगों को कहाँ रखता हाँ। है उसकी पूरी डिटेल निकालो। ठीक है भैया। ए, कौन है, क्या काम है तेरे को? 10 मिनट का काम है, अभी आता हूँ। रुक जा रे। मैं बोला ना तेरे को 10 मिनट का काम है मुझे। नीचे से ऊपर भाई, ये मेरी गोटी है। ये कौन है? ए, कौन है तू? ये कौन है तू? चुप, क्या आदमी अंदर है, इसको ले जाने आया हूँ। अबे चल भाग यहाँ से। अरे गुलाम को क्या देख रहा है, छक्का फेंक दे टकले। छक्का ही फेंक रहा हूँ भाई। ए, कौन है वे तू, क्या काम है? ए, रुक। अरे कौन है? कौन है? वाह, क्या एंट्री मारी है। ए, कौन है तू? मार खाने के लिए नाम की क्या जरूरत है? ए, चलो तुम लोग भागो यहाँ से, भागो। तेरी खुजली अभी तक मिटी नहीं। तू जरा पीछे ही रहना। क्या रे, ए, रुक जा, तू भी आ जा। जानता नहीं तू राणा भाई से बंगा ले रहा है, मिट्टी में मिल जाएगा। कौन है ये राणा भाई? मासूम लोगों को किडनैप करने वाला भाई नहीं, गुंडा होता है। कौन कौन है मासूम? ये कांता साला राणा भाई के पास ही रहकर उनके 180 करोड़ रुपए मारने वाला एक नंबर का कमीना है ये। सब रखवा दो, इसमें आधा पैसा मेरा है, नंदा भाई को बोल देना। इतना पैसा तू नंदा भाई के पास लाया, तू यहीं रुकना। राणा भाई से गद्दारी करके शहर में नहीं रह सकता हूँ, इसलिए भाई नंदा ने हम पर अटैक किया और वो सारा पैसा ले गया भाई। इसे ले जाकर अंदर डाल और उस नंदा को ढूंढो, ये झूठ बोल रहा है तो इसका सर उड़ा दो। थैंक्स बहना। थैंक्स कैसा, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। मेरे लिए या पैसों के लिए? ए सुन, हम लोगों ने भी पैसे के लिए किया था। नारायण नारायण। ए क्या रे, अभी तक तू कैरेक्टर से बाहर नहीं आया। ओह शिट। वैसे बातें तो मैंने बहुत अच्छी की, लेकिन श्लोक के लिए मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। बाबू सुनिए मैडम, श्लोक के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सुनो बेटी, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। तुझे क्यों चाहिए एक्स्ट्रा पेमेंट? तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा जो तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए? चुबे मोटू। किसे बोल रही है? बोल रही है। ए, सुनो मुझे मोटू मत बोलना, वरना तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ए, वैसे तूने किया भी क्या है, रोने के अलावा तुम्हारा और क्या काम था? एकदम बकवास और नासमझ औरत है ये। तो क्यों उसके मुंह लग रहा है? ए बेटी जरा गाड़ी रोकना, इसे बाहर फेंकना है। चलो उतरो सब लोग, पहले हमारी पेमेंट दो। पेमेंट चाहिए? अरे बेटा पेमेंट की बात तो दूर, ये लड़की हमें भिखारी बना के चले गई। नमो नारायण। हेलो। सॉरी हैंसन। सॉरी किस लिए, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? गुस्सा किस लिए, एक बड़ा अमाउंट तुम लोगों ने मुझे दिखा दिया है,
अब सोच रहा हूँ वो मुझ तक कैसे पहुँचेगा। थैंक्स तो मुझे तेरे को बोलना। वो पैसा हासिल करने के लिए तुम्हें हमसे मिलना होगा। तुम मिलोगी क्या? वो तो असंभव है। तू अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। असंभव को संभव करने में ही मुझे असली मजा आता है। कूल गाय। हाँ बोल। ब्रदर कहाँ हो तुम? एक गुड न्यूज बतानी है। क्या कहा तुमने? कैसे हो ब्रदर? एकदम मस्त हूँ ब्रदर। अपना क्या है? वो गुड न्यूज कौन सी है ये बता। मैं और सरीशा मंगनी कर रहे हैं और वो मंगनी कल है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे साथ रहकर पूरा इंतजाम करना होगा। ऐसे मौके पर जो ड्रेस पहनते हैं उसका नाम क्या है सरीशा? शेरवानी। हाँ शेरवानी पहनते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। यह तू मुझे राणा भाई के हवाले करना चाहता ही है, मैं जानता हूँ। अनाड़ी नहीं हूँ मैं। राणा भाई ने तुझे फोन किया था और मुझे सौंपने के लिए कहा था, इसीलिए तू यहाँ आया। इसी अदा पे तो मरता हूँ। तेरा शार्प ब्रेन है बलवंत, और उसके बाप को तूने मार दिया, इसलिए मेरी जरूरत पड़ी। तू मेरा खास है या राणा का खास है? जब मैंने इस पर सोचा तो मेरा वोट राणा को गया। अब जल्दी तू उससे मिलेगा। ये सब सुनकर तुम्हें चक्कर आ रहा होगा ना? तू यहाँ आराम से बैठ, मैं कटिंग करा के आता हूँ। कल मंगलवार है। बैठो ब्रदर। अंग्रेजी में कहावत है, जिसके हाथ में जो हथियार होता है वो उसी से मरता है। गन ऊपर से भी चल सकती है, नीचे से भी चल सकती है। जान यहां तेरी जाएगी, मेरी नहीं। मैं जान की परवाह नहीं करता, ऐसा तू ही कहता है। व्हाट नेक्स्ट? रुक जाओ सब लोग। शिरीषा तू मेरे साथ चल। ज्यादा चूचा की तो यही ठोक डालूंगा। चल नमस्ते भाई। चल हट बीच में से। अरे हट रहा बिचारा, कहाँ है? जो भी इस घंटे का समय दिया था तुझे, उसे ढूंढा क्यों नहीं? हम भी ढूंढ रहे हैं उसे। अगर वो तुझे नहीं मिला तो भी तू मरेगा, और हमें नहीं मिला तो भी तू मरेगा। चलो। ये तो अपने पीछे पड़ गया भाई। वो सरीशा को ले गया, वो सरीशा को ले गया, वो मेरी सरीशा को ले गया। वो मैडम को ले गया ऐसा नहीं लगता भाई, मैडम खुद ही उसके साथ चली गई है। अभी भी समझ में नहीं आया भाई, सिरिशा मैडम ना कभी आपसे प्यार करती थी और ना ही करेगी। hey, hey. आप ठंडे दिमाग से सोचिए भाई, उसका बाप सिर्फ आपके साथ बिजनेस करता था। उसका आपके साथ नहीं जमा तो वो दूर चला गया। दूर जाने के बाद आप उसे पटाकर वापस ले आए और उसका दिवाला निकाल कर रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। रोड से उठाकर घर ले आए और सिरिशा मैडम को बोल दिया कि उससे करोड़ों रुपए लेने हैं। इसीलिए सिरिशा मैडम अपने साथ रह रही थी, उसे बेवकूफ मत समझिए। वो यहाँ से निकलने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसे मौका मिला वो यहाँ से निकल गई। आप यहाँ पर बैठे बैठे उसके बारे में सिर्फ सोचते ही रहिए, लेकिन चिड़िया तो पिंजरे से फुर्र हो गयी। अबे साले अगर तू सच बोलेगा तो तुझे जान से मार दूंगा। इतने दिमाग वाले होने के बावजूद तुम उस लड़की के जाल में कैसे फंस गए, सोचकर ही ताज्जुब होता है। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? आदमी को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, लड़की को समझने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ आंखें। और उसी लड़की की वजह से शहर के सारे गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए। फिर भी उस लड़की पर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी चालाकी मुझे बहुत पसंद आई। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने तो भी मुझसे प्यार नहीं? नहीं ये कौन बोला? अगर प्यार नहीं होता तो तुझे साथ लाता क्या? तू जीके के साथ क्यों रहती है मैं जानता हूँ। तुझे पैसा चाहिए, प्लस वो अष्टलक्ष्मी भी चाहिए। मेरे बारे में तुम इतना सब सोचते हो, मुझे पता नहीं था। तू बुलेट नहीं, मेरी मीठी मीठी चॉकलेट है। रमा डार्लिंग। शिरीषा। क्यों रे
अरे ब्रह्मा, चोरों की तरह रोड पर क्यों भाग रहा है? मैं रोड पर भाग नहीं रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ। पेट थोड़ा बाहर आ गया इसलिए। पुलिस जॉगिंग करने वालों के पीछे नहीं भागती रे झूठे। क्या तुम्हें भी पता चल गया? सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी इंडिया को पता चल गया है। शिरीषा, तुम इस रास्ते से कहाँ जा रही हो? जा नहीं रहे, हम लोग रास्ते पर आ गए हैं। लेकिन हम उनको पकड़ेंगे कैसे? दिमाग से सब कर सकते हैं, थोड़ा जोर डालो बस। अष्टलक्ष्मी ने एक्टिंग की थी, उसकी फैमिली ने भी एक्टिंग की थी। एक बार उसकी फैमिली मिल जाए ना, तो हम लोग अष्टलक्ष्मी को आसानी से पकड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, वो मोटू, वो नारायण, उसे तो मैंने रविंद्र भारती में देखा है। नाटक कंपनी का नंबर दे रहा हूँ, लिख लीजिए। वो लोग स्टेज पर अभी नाटक कर रहे हैं मैडम। वो लोग अभी शॉट में है मैडम। शूटिंग कहाँ चल रही है? There are so many actors in this world. भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत से मंजे हुए महान कलाकार अब भी मौजूद हैं। And they changes colors like many और others. वो सब लोग हमेशा रंग बदलते रहते हैं। And they are eating grass for money. पैसों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों। And they are sinners. और वो लोग पापी हैं। Don't punish them. भगवान उन्हें क्षमा कर दीजिए। Don't punish them. और उन्हें सजा मत दीजिए। And they don't know what they are doing. वो ये नहीं जानते कि वो लोग क्या। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें क्या नहीं मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम बोला ना। नो माय सन, तुम्हें क्या नहीं मालूम है? माय लॉर्ड, ये बात आप उन लोगों का देखकर बोलिए ना। देख के बोलूं? वहाँ देखिए। Stop here, my son. Yes, my lord. क्या हुआ? थक गए क्या? If we run anymore, अगर हम और दौड़े तो we get tired and we will easily call. हम थक जाएंगे और पकड़े जाएंगे. So we stop running here. दौड़ने के बजाय हम रुक गए. अब जल्दी से बताओ अष्टलक्ष्मी कहाँ है? We don't know. हम नहीं जानते. पहले कहते हो कि श्राप दोगे, फिर सर फोड़ते हो दूसरों का. ए, तू चुप रह. लेडीज पर हाथ नहीं उठाओगे ऐसा बोला था ना? आज तक मैंने किसी लेडीज पर हाथ नहीं उठाया। देखा तुमने, ये हमेशा मुझे लेडीज ही समझता था ना। मुझे बीच में मत घसीटो। ए, तुम लोग जल्दी बताओ। We really don't know. हमें सच में नहीं मालूम। अब क्यों मारा तुमने मुझे? तूने बहुत सताया इसलिए मारा तुझे। कितनी बार और मारोगे? कितनी बार सताया तूने? कई बार सताया लेकिन याद नहीं। याद तुझे मैं करवाता हूँ। We know her flat address. मालाबार हिल, गोदावरी विला। अरे वाह वाह वाह, मिल गया। एड्रेस मिल गया? क्रेडिट कार्ड का बिल। बोलिए सर, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर मैं तुझे सिर्फ देखूंगा। क्यों देखना चाहते हैं? खूबसूरत लड़की को क्यों देखते हैं तू जानता है? शादी करने के लिए। ये लड़की कौन है? क्यों पूछा? आप मेरी तारीफ करते हैं तो ये घूर कर देख रही है इसलिए। हर एक लड़की दूसरी खूबसूरत लड़की को देख कर जलती है, जेलसी। आप मेरी इतनी तारीफ करके मुझसे कोई खास काम करवाना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही खास। ये क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर है, लास्ट ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ इतना जानना है। ये अकाउंट किसका है? इसकी बेटी का। वो मेरी बेटी कैसे हुई जी? वो भाग गई तो क्या हुआ? वो तेरी बेटी है ना? करेक्ट है, वो मेरी बेटी है। शी इज माय डॉटर, माय ओन डॉटर। जरा उसका नाम तो बताइए। क्या लिखा है इसमें? देखिए, मैंने MBA किया है। इतनी बेवकूफ नहीं। हाँ, थोड़ा करेक्शन है, ये दरअसल इनकी बेटी नहीं बहू है। हाँ, करेक्ट है, पहले बेटी थी अब बहू। करेक्ट है। करेक्ट है। वो लड़की इनके बेटे के साथ भाग गई थी, उस टेंशन में इनको अटैक आ गया था, अब जाके इनको अकल आई है, इसीलिए ये अपने बहू और बेटे को घर लाना चाहते हैं। करेक्ट? सब करेक्ट बता दिया तुमने। हाँ। डिटेल बिल्कुल करेक्ट है। झूठ तो नहीं है ना? तुमसे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लास्ट ट्रांजैक्शन बैंकॉक में हुआ है, होटल रॉयल क्लिफ के अकाउंट में।
अपने शहर में बाहर वालों को तुम लोग ढूंढ नहीं पाए। हट, ए जीके, तुझे दिया हुआ समय खत्म हो गया। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। वो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जब से हो संभाला तब से मैंने शिरीषा को प्यार किया है और वो साला शिरीषा को लेकर भाग गया। ए, मुझे लव स्टोरी नहीं, उसका सर चाहिए। वो कहाँ है, उसे जल्दी से ढूंढ। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास खुद आएगा, हमें ढूंढता हुआ आएगा। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। वो हमारे पास खुद कैसे आएगा? जब हम उसकी फैमिली को अपने कब्जे में लेंगे तो वो खुद दौड़ता हुआ हमारे पास आएगा। ए, सब जाओ रे, उसके सगे संबंधियों को उठा लाओ, सबको यही गाड़ दूंगा। ए ब्रह्मा, अपनी घटिया इंग्लिश बोल के हमें होटल में ले चल। ए मिस्टर, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। क्या बे, तेरा तो गियर ही बदल गया। गांव बदला तो गियर भी बदल गया। वो इंडिया था जहाँ वांटेड था, ये बैंकॉक, यहाँ बिंदास हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? You looking good. Thanks, darling. Ouch. Oh. Who did it? इसने नहीं किया। क्या रे ब्रह्मा, मैंने मना किया फिर भी मारा? उसने मारा, उसका दुख नहीं है मुझे। फिर? दुख ये है कि तेरी बोली ठीक थी, इशारा गलत था। दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। Miss Priya is not in the room, sir. Thanks. We'll wait for her. ये इंग्लिश में भी बात करता है क्या? मुझे इन्वॉल्व मत करो ब्रह्मा डार्लिंग। यहाँ भी इन्वॉल्व नहीं होना है। Master Lakshmi. ए, ऐसे बूट्स पहनकर तू नहीं भाग सकती। इधर आ। I'm so sorry. इतना सब करने के बाद सॉरी बोल रही हो, शर्म नहीं आती? बोलना तो आपको चाहिए था, ये बीच में क्यों बोल रही है? हाँ, तू क्यों बोल रही? हाँ? इस पर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? सॉरी बोला ना इसने। सिर्फ सॉरी बोलने से हो जाएगा? तो फिर इसे क्या करना है ये बताओ। तुम्हारी फ्रेंड है ना? इसे रिमोट से चलाने वाली तू ही है ना? व्हाट नॉनसेंस, ये मेरी फ्रेंड नहीं है। हाँ, ये मेरी फ्रेंड कैसे हो सकती है? इन्हें पता चल चुका है हम दोस्त हैं। क्या ये दोनों दोस्त हैं? ए तो चुप रह, तुम्हें कैसे पता चला? तेरा भाई राणा भाई का पैसा मारकर फंस गया था। उसने शिरीषा को बोला, शिरीषा ने तुझे मेरे बारे में बताया, शिरीषा ने तुझे चॉकलेट के सीन में उतारा, तूने नाटक करके मेरी मदद से अपने भाई को छुड़वाया। सही गाना? बिना ड्रामा किए तुमसे पूछने वाली थी, तुम्हारा दिमाग देखकर मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? तू जब पहली बार मुझे मिली थी ना, तभी तेरी पीठ पर टैटू देख लिया था। बाद में तुम दोनों को पब में बातें करते हुए देख लिया। तू यहाँ क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, टेक लाइट, डोंट वरी। उससे पहले मैंने तुम्हारे फ्लैट में तुम दोनों की फोटो देखी। सब मालूम था तो चुप क्यों थे? मैं तेरा मैटर समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी तेरे भाई की फोटो सामने आई। 180 करोड़ का मैटर भी मेरी समझ में आ गया और मैंने तेरे भाई को बाहर निकाला। मेहनत करके बाहर निकाला, फिर भी तूने धोखा दिया मुझे, मेरा शेयर भी नहीं दिया। अरे यार ऐसा नहीं है, वो नंदा पैसे देगा तभी तो तुम्हारा शेयर दूंगी। और तुम्हें पता है, वो नंदा मुझे आज यहाँ मिलने वाला है। ये नंदा कौन है, कोई बड़ा डॉन है क्या? तुम दोनों के झगड़े में मेरा फायदा हो गया, इसे पकड़ने में तुम क्लू दोगी ये मैं जानता था, इसलिए मैंने इसके मुंह से खुद बुलवाया। वो मोटू नारायण, मैंने उसे रविंद्र भारती हॉल में देखा था। हमने सोचा प्लान हमारा है, पर प्लान तो इनका है।
जानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन एक बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डार्लिंग, ए मुंह बंद कर। डार्लिंग डार्लिंग करता है, अपनी उम्र देख, किसकी उम्र देख, पेट बाहर लटक चुका है, सर से बाल भी झड़ चुके हैं। चुम्मा लेने के लिए सीढ़ी लगाएगा क्या? ठीक ना कहीं का। करेक्ट करेक्ट, व्हाट यू सेड इज राइट। जब ये सोचा कि प्लान तुम बना रही हो तो तुम्हारे पीछे इसका प्लान था। जब सोचा कि दोनों का प्लान है तो इसका प्लान पहले से ही तैयार था। इसको पहले से ही इससे प्यार है। मैं ही बीच में जोकर हूँ, मेरा नसीब ही खराब है। ब्रह्मा डार्लिंग, डार्लिंग अब मत बोलो, अब किसी ने डार्लिंग बोला तो मुंह तोड़ दूंगा उसका। ब्रह्मा डार्लिंग तुम चुप रहो, तेरा भाई कहाँ है? अरे बाप रे, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? हर कोई घंटा की तरह बजा के जाता है मुझे। उस सत्या की फैमिली कहाँ रहती है बता दे मुझे। तुम लोगों को काम चाहिए तो काम पे रख लूंगा तुझे। सत्या कहाँ है बता दे। भाई उस नंदा ने मुझे धोखा दिया और सारा पैसा अकेले हजम कर गया। ए, उसके पास पैसा होगा तो वो तेरे को पैसा देगा ना। इतना पैसा आसानी से मिलेगा सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था। भागो। नंदा कहाँ मिलेगा? ये एक और ट्विस्ट, लेटेस्ट। तो तुम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए? नहीं, नंदा के लिए। और वो इसे मालूम है कि वो यहाँ है, इसलिए राणा भाई के अड्डे से इसे बाहर लेके आया मैं। बाप रे, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। चल बोल, नंदा कहाँ है? इसका मतलब तुम नंदा को ढूंढ रहे हो? ए, डॉक्टर निर्मला कहाँ है? भाई क्या हुआ, उसकी मां मिली क्या? अब वो जिंदा नहीं है, कुछ दिन पहले वो मर चुकी हैं। आप नहीं मरवाया था? मैंने मरवाया था। आपसे मिलने के लिए चाचा जी आए हैं जी। देवेंद्र, कल मेरी बेटी की सगाई है इसलिए पत्रिका देने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, पर मेरा तो फर्ज है तुम्हें बुलाना। लेकिन एक बात याद रखना, वो ये कि ये सड़ा मुंह लेकर आ मत जाना। जा रहा हूँ, यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ। हे, देख क्या रही हो, चलो। बहुत हो गया जीजा, हैदराबाद फोन करो, बड़े भैया को फोन लगाओ। नहीं छोटे, इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने फोन किया तो बड़े भैया गुस्सा करेंगे। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मैं खुद फोन लगाता हूँ। एक मिनट रुको, छोटे भाई का फोन है। बोल छोटे, कैसे फोन किया? वो अभी तक जिंदा भैया। उसे अभी तक नहीं मारा और फोन कर रहा है मुझे। भैया आप उसे कम मत समझना, वो बहुत खतरनाक है भैया। चुप, डरपोक कहीं का, कल इस समय तक वो जिंदा नहीं रहेगा। वो जिंदा रहे या ना रहे मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं अपने गेस्ट हाउस में जाकर छुप जाऊंगा। उसकी माँ पर मेरे भाई ने हाथ उठाया तो उसके बेटे ने कपड़े फाड़ कर पब्लिक के सामने कुत्ते की तरह मारा। पहले उसे नहीं मारूंगा, उसकी माँ को पब्लिक के सामने मरवाऊंगा। देखता हूं मेरा क्या उखाड़ लेगा वो। Thank you.
निर्मला देवी कहाँ है? वो वहाँ पर है। यहाँ पे कई लोग माजी को मार रहे हैं, चलो हम लोग जाके उनको बचाते हैं। चलिए माजी चलिए, आप यहाँ पे रहिएगा, बाहर मत निकलेगा। वादा करता हूं तुझसे, ये हॉस्पिटल बंद नहीं होगा और तेरे कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर जिंदा दफन कर दूंगा। I'm sorry. इसके पीछे जीके का भी हाथ है। जयराम और बलवंत को उसी ने मारा। अब नंदा की बारी है। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वो नंदा को मारने बैंक को गया। एक मिनट रुको, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। नंदा, बाहर निकल, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तुझे राणा भाई ने भेजा है? उसका भी बाप हूं, वो क्या भेजेगा मुझे? निर्मला देवी का बेटा हूं, उसका बदला लेने आया हूं। हाँ, उस दिन तो वहां नहीं था इसलिए बच गया, आज तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगा। Ah.
मुझे तो लगता है अब नेक्स्ट टारगेट आप ही हो भाई। उसका टारगेट मैं नहीं, मेरा टारगेट वो होगा। जो भी मुझे ये आइडिया देगा कि उसे कैसे मारा जाए ये सब उसका होगा। मुंबई से डॉन के गुंडे बुलवाएंगे भाई। चेन्नई से हम शार्प शूटर मंगा सकते हैं भाई। मेरी बात मानो, दुबई भाग जाओ भाई। भाई वो राणा भाई का गुंडा है ना नंदा, उसे ढूंढ कर मारा। अपनी जान बचाओ भाई। इधर आ। मेरे भाई ने तुम्हें धोखा दिया। I'm very sorry. तुम बहुत समझदार हो। अपनी समझदारी को किसी अच्छे काम में लगाना, ठीक है? तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? भाई, शिरीषा को भी कुछ बोलिए ना। जो उससे कहा वही तुमसे कह रहा हूँ। मेरे डैडी ने जीके से कुछ पैसे उधार लिए थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। सच है भाई, शिरीषा इज अ वेरी गुड गर्ल। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। देखिए भाई, इसके आंसू देखिए, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई। तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। मैं तुम्हारे साथ हर कष्ट सहने को तैयार हूँ। देखिए भाई, इसकी आवाज में कितनी सच्चाई लगती है। लेकिन मैं तुम्हें कष्ट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। प्यार दो, प्यार लो, प्यार लो, प्यार दो। ये दिल लो, जा ले लो, जा क्या मेरा ईमान ले लो। सिवा तेरे ना कोई मंगदा, मंगदा, दिल को तू ही जचदा, जचदा। ये दिल लो, जा ले लो, जा क्या मेरा ईमान ले लो। सिवा तेरे ना कोई मंगदा, मंगदा, दिल को तू ही जचदा। हीर मेरी, लला मेरी, रांझा तेरा, मैं मजनू तेरा। तू ही मेरा खुदा, तू रब है मेरा, मेरा करे दिल सजदा तेरा। छोड़ दू तेरे लिए दुनिया की दौलत सभी, छोड़ू तुझे न मैं कभी। तोड़ दू तेरे लिए रिश्ते नाते, छोड़ू तुझे न मैं कभी। ओ ये दिल लो, जा ले लो, जा क्या मेरा ईमान ले लो। सिवा तेरे ना कोई मंगदा, मंगदा, दिल को तू ही जचदा, जचदा। प्यार लो, तुझको ही मैं देखूं, तुझको ही मैं सोचूं, रहे सामने बस चेहरा तेरा। तुझको ही मैं चाहूं, तुझको ही मैं पूजूं, यादों पे मेरी है बहरा तेरा। चाहे रात हो चाहे दिन हो, छाई रहे मेरे दिल पे तेरी खुमारी। दिल को देखो, चेहरा देखो, झलके है इसमें जानम चाह तुम्हारी। हो आए जाए चाहे कितने भी मौसम रहे, सदा यूं ही ये जोड़ी। हो बदले चाहे कितनी भी ये दुनिया रहे, सदा यूं ही ये जोड़ी हमारी। प्यार लो, हे हे हे।
शायद तू तू ही है आखरी अरमा मेरा। दिलदार है तू, मेरा प्यार है तू, तू ही है जीवन का साथी मेरा। तू ही दिल में, तुझी घर में, नस नस में मेरी है बस चाहत तेरी। आँखों में तू, सांसों में तू, चेहरे पे मेरे सिर्फ है रौनक तेरे। ओ बिन तेरे हम तेरे, ओ मेरी हमदम, जन्मों जन्मों के हैं हम साथी। हाँ दिल भी तेरा, हम भी तेरे हैं जाने मन, सातों जन्म के हम हैं साथी। मेरी बात सुन, तूने मेरी बहन को अगवा करके मेरी आन को ललकारा है, तूने अपनी मौत को दावत दी है, तू जहां कहीं भी होगा वहीं आकर मारूंगा तुझे। भैया! ए सत्या सिंह, मैं तेरी माँ की समाधि के पास हूँ, क्यों हूँ जानता है तू? इस समाधि के बगल में तेरी और तेरी बहन की भी समाधि बनाऊंगा। क्या तकदीर है तेरी, जब मैंने तेरी माँ को मारा तब तू वहां नहीं था, और अब मैं तेरी बहन को यहाँ मार रहा हूँ तब भी तू यहाँ नहीं है। ए, उसके आने से पहले इसकी समाधि यही बना दो। भैया रुक, रुक, रुक। क्या हुआ? मैं बेंगलोर में था, इसने मुझे वहाँ से उठा लिया है। भैया ये जैसा बोलता है वैसा कीजिए, वरना ये मुझे मार डालेगा। भैया ए सुन बे, ए, ए, तकदीर तेरी बहुत खराब है, इसलिए सोच रहा हूँ कि कहाँ ले जाके मारूं तुझे, लेकिन तूने खुद ही जगह ढूंढ कर मेरा काम आसान कर दिया बे। ए, 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 कहाँ पर है रे तू? जिसकी दहशत पूरे इलाके में हो, उसे डराने की कोशिश कर रहा है तू, और कहाँ है तू? ए, जब मुझे सामने देखेगा ना तो तेरी हवा पूरी तरह से टाइट हो जाएगी, फाड़ दूंगा तुझे। तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तुझे मार कर ही दम लूंगा। आ रहा हूँ शेर बनकर अपनी बहन को बचाने के लिए, भाग जा वहां से वरना चिथड़े चिथड़े कर दूंगा तेरे। ए, आजा 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 आजा। सुन मेरी बहन, तू टेंशन मत लेना, इन सबको आधे घंटे में दफन करके लंच पर जाएंगे। तू लंच पर जाएगा, तुम दोनों को लंच ऊपर करवाऊंगा। बड़े भैया इसे कमजोर मत समझिएगा, ये देखने में हीरो जैसा दिखता है लेकिन बहुत ही खूंखार है, ये बहुत दौड़ा दौड़ा कर मारता है भैया। अरे चुप, अरे ये अकेला क्या कर लेगा? ए, जिसके साथ सच्चाई होती है वो अकेला 100 बार भारी पड़ता है, समझा? ये बात है तो मेरे पीछे भी देख ले, ये है मेरी पावर। हट, तेरी पावर नहीं ना मर्दों की फौज है, असली मर्द से टकराएंगे तो निकाल दूंगा सबका दम। आगे बढ़ रहा है, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हिम्मत मर्द अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा होता है, और वो तुम जैसे नामर्दों के पास नहीं होती। आज तुझे दिखा दूंगा। देख क्या रहे हो, उसे मार के मेरे भाई को लेकर आओ। इंतजार कर, उसके बाद तुझे मार कर ऊपर नर्क में भेजूंगा, नर्क में जाकर अपने साथियों से भी मिल लेना, इस धरती का कुछ तो बोझ कम हो जाएगा। मार।
इसकी बहन को मार डाल, फिर पता चलेगा इसे कि मर्द क्या होता है। मार, मार, मार। मेरी बहन के पास आने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। आजा। जमेगी जोड़ी come on oh handsome मेरे रूप को तुमने हारो मेरी देखो मस्त अदा मुझे बाहों में तुम भर लो मेरे इश्क पे हो जाओ